अंधमरा का कर देखी। अब देखी था हंसत रानी ही देखी पकड़ नहीं रहा। Just a silly game which I always used to do. उतरा भी करी है सांग। लाल लाल। तो कैसे हो आप सब? तो दिवाली की शॉपिंग राशन वाली हो चुकी है। तो कल मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड जो है वो लेने के लिए गया, तो बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आए थे कि दी आपके यहाँ ना महीने का क्या लगता है, आप कैसे मैनेज करते हो। तो मैं आपको बहुत सारे टिप्स भी दूंगी जिससे आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। सर्फ हमारे यहाँ 5 किलो का इसलिए आता है, इसको आप डब्बे में भर के रखिए, चाहे आप जितना भी मंगाइए उससे कम नुकसान होता है। पैकेट का पूरा बाथरूम में रखेंगे तो वो चीजें ज्यादा निकलती हैं और उसका अनुमान है। उसमें एक स्पून डाल दीजिए बड़ा सा जो आता है, आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये आता है हमारे यहाँ, और मैगी हमारे यहाँ पर इतनी आती है और ये पूरे महीने से ज्यादा चलती है। रीजन ये है कि मैं अरम्या को नूडल्स या मैगी बहुत कम देती हूँ। ये इमरजेंसी के लिए, कभी तबीयत मेरी खराब रही या कभी मन किया खाने को, इसलिए मैं इसको मंगा के रखती हूँ। और ये कसूरी मेथी का पैकेट, इसको आप एयर टाइट डब्बे में ही रखें, इससे ना ये नरम नहीं होंगी और बहुत टाइम तक ये चलेगा, इतना बहुत टाइम तक चलेगा। आधा किलो राजमा हम एक महीने में हमारे लिए पर्याप्त है। ये जैम जो मेरा काफी टाइम तक चलेगा, एक महीने में खत्म नहीं होता है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। काबुली चना जो ये भी मेरे एक महीने का ही है, इसमें से बहुत सारी चीजें मेरी एक महीने से ज्यादा जाएंगी, जैसे मटर हुआ, छोले मैंने बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो ये रह जाते हैं मेरे पास। और इस तरीके से ये सॉप आते हैं साबुन, क्योंकि मेरे घर साबुन मेरे यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठे आती हैं चीजें, जिससे कि बचत बहुत ज्यादा होती है। ये एक सॉस जो मुझे बहुत पसंद है, सॉस मुझे बहुत पसंद है, टोमेटो केचप। अच्छा हाँ, वो भी कहा जाला टोमेटो केचप पे कहा जाला। उसके बाद सत्तू इकट्ठे, देखिए मैं एक आपको टिप देती हूँ, अगर मैं चाहती तो मैं पूरा 1 केजी का पैकेट ले सकती हूँ, लेकिन जब पैकेट खुल जाता है तो उसमें कीड़ी लगने का डर रहता है, थोड़ी सी भी हवा गई तो इस तरीके से मैं 200-200 ग्राम के पैकेट लेती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे ने एक पैकेट मैंने खोला, हमारी फैमिली छोटी है तो कम चीजों में हमारा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि इससे आपकी चीजें नुकसान नहीं होगी, तो इस बात का ख्याल रखे। जैसे कि बेसन आए हैं तो इसके छोटे छोटे से 200-200 ग्राम के पैकेट मैंने मंगाए हैं, क्योंकि 1 केजी पूरा खुलने के बाद उसको रहता है कि जल्दी से हम यूज कर लें। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और दिवाली थी तो मैंने सोचा चलो ये गार्लिक और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने मंगा लिया, मोस्टली मैं खुद ही बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ी दिवाली थी तो थोड़ा तड़का अच्छा लगता है। और ये नारियल का बुरादा मैं हर महीने नहीं मंगाती हूँ, लेकिन दिवाली है भाई, थोड़ा तो चाहिए कुछ चीजें। ये मूंग की दाल, हरी वाली मूंग है, माफ करिएगा दाल नहीं, जिसको मैं रोज चने के साथ भिगो के स्प्राउट बनाती हूँ। पंचफोरन जो मोस्टली जरूरी होता है। सौंफ, जिसके पानी को आप अगर भिगा के इसके पानी को पियेंगे तो इससे आपका वेट लॉस मतलब होता है, साथ में आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है सौंफ का पानी। अगर आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही हो कभी, तो गर्म पानी में सौंफ को उबाल के 1 चम्मच उसको छान के पीजिए, आपके पीरियड्स के पेन बहुत इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। और ये जीरा पाउडर, साथ में काली मिर्च वाला पाउडर, इन सबको मुझे डब्बों में लगाने हैं। फिलहाल अभी मैं इसको मिला रही हूँ। मम्मा ये क्या है? ये मेरा ब्रश है बेटा। मम्मा आप मेरी कॉपी करते हो? हाँ यस मम्मा, थोड़ी तो शर्म करो। और ये मैंने मंगाए हैं जीरा, ये हमारे यहाँ चाय पत्ती, मेरे यहाँ 1 किलो चाय पत्ती 1 महीने में चली खत्म हो जाती है, और मैं टाटा टी प्रीमियम की बहुत शौकीन हूँ तो हमारे यहाँ भी यही आता है। नमक जो जरूरी है, रिफाइंड ऑयल, क्योंकि अभी हम मैंने थोड़ा सा तेल ऑयली चीजें खानी कम कर दी इसलिए बनानी भी, और दिवाली की सफाई के लिए मुझे ये बहुत जरूरी था इसलिए मैं अभी हाथ नहीं लगा रही हूँ। माय फेवरेट। हाँ तुम्हारा तो फेवरेट होगा। अच्छा मैं आपको, ये रही हल्दी जो ये भी जरूरी है। इस तरीके से ना ओट्स के मैं पैकेट मंगा के रखती हूँ और मैं रोज नाश्ते में ओट्स लेती हूँ। अब इसका भी मैं रीजन बता दूँ, इसका भी वही रीजन है कि मैं 1 केजी का पैकेट ले सकती थी, बट मैंने इसको छोटा छोटा लिया, मैं एक पैकेट खोलती हूँ बनाती हूँ खा लेती हूँ, तो इस हिसाब से मेरे यहाँ 30 आते हैं, मतलब 30 पैकेट मेरे यहाँ आते हैं। अब जितना मिला होगा उतना यहाँ पे आया हुआ है,
ये मैंने मंगाए हैं बासमती चावल, क्योंकि दिवाली आ रही है। वरना कोई जरूरी नहीं, मैं बड़ी नहीं बन रही कि नहीं मेरे यहाँ बासमती चावल ही खाया जाता है। मतलब ये वाला चावल है, बादशाह भोग है, वही हमारे यहाँ चावल खाया जाता है, और कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे से सॉस, क्योंकि मेरे यहाँ ना मतलब इस तरीके से स्पाइसी सॉस वाली चीजें नहीं बनती है बहुत ज्यादा, इसलिए मेरे यहाँ यूज बहुत कम है, इसलिए मैं छोटे छोटे पाउच मंगा लेती हूँ, कम हुआ तो वो चीजें आ जाएंगी। ये रहा मेरे यहाँ पे सूजी, क्योंकि उपमा बनाने के लिए कभी कभी अगर मेरे को देने के लिए, तो ये मैंने मंगाए हुए हैं। चीनी 5 किलो, जो मेरा 3 महीने करीब में चलता है इतनी चाय बनने के बावजूद, क्योंकि हम चाय बहुत मतलब कम चीनी के साथ पीते हैं। ये काजू का पैकेट अरम्या का फेवरेट है, काजू मेरे सिस्टर को भी बहुत अच्छा लगता है। एक ये नारियल का तेल, जो आप अगर रात को अपने हाथ और पैर में लगा के सोइए, सुबह नहा लीजिए, आपके हैंड बहुत सॉफ्ट रहते हैं और मतलब बहुत अच्छा होता है। नारियल का तेल मैं यूज करती हूँ। इसके बाद तो ये रही मेरी राशन की चीजें जो मैं महीने में मंगाती हूँ। कुछ चीजें जैसे कि घी नहीं है और छुहारे नहीं है, ये दो चीजें मैं पर्सनल मतलब हमारे यहाँ घी सारे लोग खाते हैं, जो डेयरी से भी आता है मैं बनाती भी हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं नहीं बना पा रही हूँ। और छुहारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ब्लड मतलब कम है तो इसके लिए वो क्या बोले थे, खजूर बोले थे डॉक्टर ने। अम्मा हाँ, आप डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? सच में आपको हर चीज का उपाय पता है, ये मिला के पियो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ माँ होती है ना। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप सबको अच्छी लगी होगी। बस ये ऐसी वीडियो थी कि मैंने बना ली, मतलब बनाते बनाते मैंने बना लिया आप सबके साथ। तो इन सबको मैं डब्बों में भरूंगी, कुछ चीजों को मैं देखती हूँ, कल मुझे डब्बे क्लीन करने हैं, इसलिए मैं किसी भी चीज को ओपन नहीं करूंगी। सारी क्लीनिंग के बाद ही सारी चीजें लगाई जाएंगी, किचन को सजाई जाएंगी, जिनकी वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूंगी। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है गांव की शांति। और मेरे हस्बैंड गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, क्योंकि उनको चाय चाहिए और मैं बैठ के बतकरी बतिया रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं, गुड नाइट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वो कहते हैं ना, चुप तभी तक रहो जब तक कि सर से पानी ऊपर ना चढ़े, और इस तरीके की चीज़ें होंगी तो मैं एक्शन लेना मैंने स्टार्ट कर दी। ये झूठ बोलती है, इसका पति ये नहीं है, ये फैंस के लिए करती है। आपके घरों में होता होगा इस तरीके की चीज़ें कि आपके घरों में फैंस के लिए झूठा पति और झूठी पत्नी दिखाई दी जाती होगी। क्योंकि मैं कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करती हूँ, आप सब मुझे 3 सालों से जान रहे हैं, मैं बहुत ही प्यार से किसी भी तरह के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन डाला हुआ है और इस आईडी पे ज़रूर एक्शन होगा। और इस तरीके की जो मेरे हस्बैंड के लिए कोई भी इस तरीके की फालतू और घटिया बातें करेगा तो मैं उसके लिए एक्शन लूँगी। इसलिए मैं ये वार्न कर रही हूँ कि इस तरीके की चीज़ें कि पैसों के लिए और फैंस पाने के लिए, इसका हस्बैंड नहीं है, ये झूठ बोलती है, इसने अपने यूट्यूब पे आके अपने हस्बैंड की बेइज्जती करवाती है, नाक कटवा दी। जो इस तरीके के कमेंट लिखते हो ना, आपको अपने कमेंट को पढ़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि आपने अपने माँ बाप के संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा दी है। उन्होंने आपको, कोई भी दुनिया का माँ बाप ऐसे संस्कार तो नहीं डालता है कि तुम जाना और किसी को दुख पहुंचा के आना, और अगर डालते होंगे तो वो तुम्हारे घर की परवरिश है, जो इस तरीके की घटिया गिरी आके मेरे वीडियो पे ये लोग करते हैं। मैं ब्लॉक कर करके थक गई हूँ, नई आईडी बना बना के इस चैनल पे, उस चैनल पे, मतलब एक ही तरह के कमेंट मेरे दोनों चैनल पे जाके सेम आईडी से मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, तो इन सब चीज़ों को अब स्टॉप लगा दीजिए, नहीं तो फिर मेरे से, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत अच्छी हूँ, सच में मैं शांत और बहुत अच्छी हूँ, लेकिन शांत और बहुत अच्छे लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी बुरे हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ना करनी पड़े, मेरे हस्बैंड को लेके इस तरीके की निगेटिविटी फैलाना आप सब छोड़ दीजिए। अब देखिए था, हंसत रही, देखिए आप देखिए। मुझे सारा काम खत्म करने के बाद, कल है एक बहुत बड़ा दिन, लड़नी है जंग अपनों से अपनों की, मीन्स इसको पेंट करना है, जो एक जंग के समान ही मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि करूं तो क्या करूं, कितना कुछ मैं अकेले करूं। थोड़ा सा हाथ बटा देते का पापा का, मतलब अब बेटियां ना पता नहीं क्यों
पापा की बहुत दुलारी होती है, जैसे कि अरम्या है। आवा तनी आवा तनी, बस मासी छोड़ो आवा तनी। और अब मैंने काट ली है आलू और बैगन की। कहा टीबी? अच्छा अच्छा पापा पकड़वाओ तनी। तो मैंने काट लिया है आलू और बैगन, मैं मिर्ची ढूंढ रही हूँ। तो आलू बैगन की बनेगी सब्जी, साथ में बनेंगी रोटियाँ। और मेरे को मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा कि दीदी दही कैसे जमाते हैं। तो दही जमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, आपको दूध को गर्म करना होता है। जब वो दूध एकदम गर्म ना हो, ठंडा भी ना हो, मतलब रूम टेम्परेचर पर हो, तो आप उसमें जामुन डालिए, गाढ़ी सी दही आपकी बन के तैयार होगी। और आटे के अंदर रख दीजिए, उससे ना दही बहुत अच्छी जमती है। रीज़न है कि उसकी गर्माहट की वजह से दही जो है वो अच्छी जमती है। तो चावल वगैरह हमने सारा सब कुछ अरेंज कर दिया है, रख दिया हुआ है। बाकी पूरी कल जब किचन क्लीन होगी तब जाके सारे डब्बे धुलेंगे और तब जाके सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी। तो कल का दिन भयंकर बंदर की तरह मुझे छत इन रैकों पे कूदना पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी है। ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्ट नहीं किया है, ऑर्गेनाइज करना धीरे धीरे मैंने सब्जी पहले छौंक दूँ वरना बातें ही करती रह जाऊँगी आप सबसे। तो हम मिलेंगे बस आप सबसे कल के एक अगले वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मैंने रमना के पापा को चाय पिला दी है और 10 बजे तक हर हाल में पूरा खाना पीना हमारा हो जाना चाहिए, तभी रमना सो पाती हैं, वरना सुबह स्कूल जाने में उनको काफ़ी लेट हो जाता है। और रमना के स्कूल में प्रोग्राम भी होने वाला है तो उसके लिए कुछ फीस वगैरह लगी है, वो मैंने निकाल के भी रख दी है, तो वो भी याद से मुझे रखना ही पड़ेगा। और बस मैं मिलती हूँ आप सबसे कल के वीडियो में।